हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भाई आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, इससे पहले हमने काफ़ी ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक किए हैं और आप उनको अच्छे से नोट्स वगैरह उनके तैयार कर सकते हैं, अच्छी तैयारी उनसे कर सकते हैं। ज्योग्राफी हमारा पोर्शन चल रहा है और आज हम ज्योग्राफी के पोर्शन में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर जो डाले गए टॉपिक हैं यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक वीडियो को पूरा देखिए और सारे के सारे जो इलेक्शन हैं स्टूडेंट्स, आपको बता दें खरब डिफेंस अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक की तरफ से दिए जा रहे हैं। सेंटर की तरफ से ये सुविधा आप लोगों को दी जा रही है, तो इसमें आप लॉकडाउन की स्थिति में आप अपना अच्छे से जो है एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट जैसा जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो आप तैयार कर सकते हो। परीक्षा के समय में ये मेहनत जो है स्टूडेंट्स काम आएगी, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होंगे। लॉकडाउन हमेशा नहीं रहेगा, लॉकडाउन भी खुलेगा, एग्ज़ाम भी होंगे, परीक्षा की तिथि भी आएगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन समय से ये अवसर है बहुत बढ़िया घर पे रह के तैयारी करने का। तो इससे पहले भी हम ज्योग्राफी से संबंधित आपके 8 से 9 टॉपिक डाल चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है आज वाला वो है भाई अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से पहले एशिया महाद्वीप हमने किया था, तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बता दें स्टूडेंट्स, एक तो इसकी रैंक पूछ ली जाती है, तो चाहे क्षेत्रफल हो या फिर जनसंख्या हो, इसकी जो रैंक है वो आपकी है सेकेंड रैंक। पहली रैंक जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल में एशिया महाद्वीप की थी, दूसरी रैंक जो है स्टूडेंट्स आपकी अफ्रीका महाद्वीप की है। एक इस महाद्वीप को स्टूडेंट्स अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। ये एक विडंबना ही मानिए स्टूडेंट्स कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में जीवन की उत्पत्ति मानी गई है। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति होने के बाद भी ये पिछड़ा महाद्वीप है, ये कई सेक्टरों में पिछड़ा हुआ है, इस कारण से इसको अंध महाद्वीप भी कहा गया है। एक जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, पहला पॉइंट बताया था आपका कि आरंभ में जो हो पृथ्वी के ऊपर एक हिस्सा था जो पेंजिया कहलाया था, बाद में दो हिस्सों में बट गया, ऊपर वाला गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप। ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि भाई अफ्रीका महाद्वीप निम्न में से किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है स्टूडेंट्स गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, ग्लोब पर यदि इसकी हम आकृति देखें तो लगभग स्टूडेंट्स इस तरह की आकृति जो है अफ्रीका महाद्वीप की है, इस तरह की आकृति अफ्रीका महाद्वीप की है। और इसमें आपको बता दें इसके पश्चिम में, किसके पश्चिम में? अफ्रीका महाद्वीप के। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर पड़ता है। कौन सा महासागर पड़ता है इसके पश्चिम में? अटलांटिक महासागर पड़ता है। नीचे की तरफ यदि हम जाएंगे तो स्टूडेंट्स नीचे की तरफ पूर्व और दक्षिण में ये वाला जो हिस्सा है आपका पूर्व और दक्षिण में, ये हिंद महासागर पड़ता है, हिंद महासागर। एक ये इसका मेडागास्कर, इसका द्वीप अफ्रीका महाद्वीप का मेडागास्कर। दूसरा स्टूडेंट्स, यदि मैं इसके पूर्व में चलूँ तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप पड़ता है, एशिया महाद्वीप। और इसके उत्तर में आपका यूरोप महाद्वीप पड़ता है, यूरोपीय महाद्वीप। एक आपका भूमध्य सागर भी है यहाँ पर, भूमध्य सागर। इसके स्टूडेंट्स भूमध्य सागर से थोड़ा सा आगे की तरफ लाल सागर है, पता है आप लोगों को, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जो जोड़ती है वो सवेज नहर है, जिसका जो निर्माण है वो 1869 में हुआ था। और इंग्लैंड से भारत की दूरी उस नहर के निर्माण के बाद में 7000 किलोमीटर घट गई थी, व्यापार आसान हो गया था, ये आपको लोगों को पता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में मेन जो चीज़ें हैं बताने की मैप में स्टूडेंट्स, देखिए, एक तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में आपका सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है। एक उत्तर और पश्चिम में ये जो निशान लगाए गए हैं स्टूडेंट्स, ये आपके, ये आपका एटलस पर्वत है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, है ना, ध्यान देना है, एक एक पॉइंट ध्यान से लिखना है, समझना है। तो उत्तर और ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में आपका एटलस पर्वत है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्टूडेंट्स ये मध्य में पूर्व की साइड में आपका केन्या पर्वत है, केन्या पर्वत, ये केन्या पर्वत है। और आपका इस केन्या पर्वत के नीचे की तरफ दक्षिण में चलेंगे तो ये आपका स्टूडेंट्स किलिमंजारो पर्वत है।
इस पर्वत की जो ऊंची चोटी है वो किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नीचे की तरफ स्टूडेंट्स ये ड्रैक्सबर्ग पर्वत है, तो ड्रैक्सबर्ग पर्वत, एटलस पर्वत, किलीमंजारो पर्वत, या आपका केन्या पर्वत, केन्या पर्वत, या आपका किलीमंजारो पर्वत, और आपका भाई ये जो है स्टूडेंट्स एटलस पर्वत, ये डेंसबर्ग पर्वत। तो चार पर्वत हैं आपको बता दें इसमें, इस साइड ये आपका एटलस पर्वत है, उसके बाद में ये आपका केन्या पर्वत है, ये आपका स्टूडेंट्स जो है किलीमंजारो पर्वत है, ये किलीमंजारो पर्वत है, और ये जो है स्टूडेंट्स आपका नीचे ड्रैक्सबर्ग पर्वत है। एक अफ्रीका महाद्वीप के बता दें, दक्षिण में नीचे की तरफ स्टूडेंट्स कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के नीचे की तरफ दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल है, उत्तर अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल है। इसके अतिरिक्त यहाँ से आपकी विक्टोरिया झील से ये नील नदी निकलती है और जो भूमध्य सागर में गिरती है स्टूडेंट्स, आपकी नील नदी बता दें आपको, ये मिस्र का वरदान कहलाती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये मैप पर कुछ इस तरह की आकृति बनती है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में क्या पढ़ा हमने, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, इसके जो पूर्व में है स्टूडेंट्स वो आपका एशिया महाद्वीप और कुछ एक क्षेत्र जो है हिंद महासागर का है, और ये इसका मेडागास्कर जो है वो द्वीप है। इसके अतिरिक्त किलीमंजारो पर्वत, केन्या पर्वत, एटलस पर्वत और आपका ये डेक्सबर्ग पर्वत है। मरुस्थलों की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल और सहारा मरुस्थल। नदी की बात करें तो स्टूडेंट्स आपका ये नील नदी, और भी हैं छोटी बड़ी कांगो नदी बेसिन है जैसे कि, तो ये आपका नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो इसके बारे में कुछ एक विशेष पॉइंट है, जिस तरह से क्षेत्रफल में जनसंख्या में सेकंड रैंक है इसका, इसको अंध महाद्वीप भी कहा गया है क्योंकि पिछड़ा महाद्वीप है, गोंडवानालैंड का हिस्सा है। अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विशेष पॉइंट यदि हम पढ़ेंगे तो वो देखें भाई, प्रमुख पर्वत, इसके प्रमुख पर्वत एटलस, किलीमंजारो पर्वत, प्रमुख पर्वत देखिए भाई, एटलस पर्वत, किलीमंजारो पर्वत, केन्या पर्वत और डेक्सबर्ग पर्वत, ये इसके चार जो हैं प्रमुख पर्वत हैं। इसके अतिरिक्त अबिसिनिया का पठार, अबिसिनिया का पठार अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है, अबिसिनिया का पठार। नेक्स्ट नील नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, 6650 किलोमीटर है। कांगो नदी, कांगो नदी के बारे में बता दें स्टूडेंट्स, ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप की वो नदी बताओ जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को दो बार काटती है। नेक्स्ट है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी, तो लिम्पोपो नदी स्टूडेंट्स अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है, लिम्पोपो। नेक्स्ट इसकी आदिम जातियां देखिए स्टूडेंट्स, आदिम जातियां, तो बुशमैन, बुशमैन जो है स्टूडेंट्स इसमें जाति रहती है, निग्रो, निग्रो जाति भी इसमें रहती है, पिग्मी, पिग्मी जाति भी इसमें रहती है, तो आपका इस तरह से बुशमैन, निग्रो, पिग्मी, बद्दू, बद्दू जाति भी इसमें रहती है। यहाँ पर बता दें बद्दू जाति जो है स्टूडेंट्स ये सहारा मरुस्थल की जाति है, पिग्मी जाति जो है वो कांगो नदी बेसिन की जाति है, बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल की जाति है, और निग्रो जाति जो है वो आपको अफ्रीका महाद्वीप के 56 देश हैं तो इनमें कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। कुल देशों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स इसमें, 56 देश हैं, यहाँ पर हमने मेंशन किया है अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश जो हैं वो 56 हैं, जैसे एशिया महाद्वीप में 48 कंट्री थे, इस तरह से 56 कंट्री अफ्रीका महाद्वीप में हैं। नेक्स्ट देखें एक और विशेष पॉइंट कई बार पेपर में आता है कि वो कौन सा महाद्वीप है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक एक प्रश्न विशेष है, यहाँ पर टाइम कम लगे, वीडियो कम समय में अपलोड हो जाए, इस कारण से पहले सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं, तो आप अपना नोट्स बनाते चलिए। देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा 0 डिग्री आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, पता है आपको। मकर विषुवत रेखा ये 0 डिग्री है, और मकर रेखा ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पता है आपको। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आपका मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें से मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट देखें भाई सवाना, ये सवाना और वेल्ड, ये स्टूडेंट्स घास के मैदान हैं, सवाना और वेल्ड घास के मैदान हैं। सवाना जो हैं वो कैसे घास के मैदान हैं हम बताएंगे, सवाना गर्म घास के मैदान हैं और वेल्ड जो है वो कैसे हैं, वो ठंडे घास के मैदान हैं।
तो ये दो यहाँ पर घास के मैदान हैं अफ्रीका महाद्वीप में। एक स्टूडेंट्स अलजीजिया है, ये लीबिया देश में स्थित है सबसे गर्म स्थान। अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान जो है वो अलजीजिया है, किस देश में है, लीबिया देश में है, सारा मरुस्थल जहाँ पड़ता है। कई सालों तक यह विश्व में सबसे गर्म स्थान था स्टूडेंट्स, लेकिन अब ये डेटा जो हो कैलिफोर्निया के नाम में चला गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें जोहान्सबर्ग, अफ्रीका महाद्वीप में स्टूडेंट्स जोहान्सबर्ग, इसको स्वर्ण का देश भी कहते हैं, स्वर्ण का नगर भी कहते हैं, और ये स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले, एक किम्बरले स्टूडेंट्स, किम्बरले देखिए ये विश्व की, किम्बरले विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खाने, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खाने किम्बरले जो हो किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट ये सहारा मरुस्थल, लगभग 11 देश इस मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स। मिस्र भी इसी मरुस्थल का भाग होता यदि नील नदी नहीं होती तो। अब नील नदी के कारण से मिस्र में हरियाली है, सिंचाई होती है, तो मरुस्थल नहीं रहा। इसी कारण से जो मिस्र जो है स्टूडेंट्स नील नदी का, इसको वरदान कहा जाता है, नील नदी का वरदान है मिस्र, नहीं तो सहारा मरुस्थल का ही एक भाग होता। और नील नदी सबसे बड़ी है, कितनी किलोमीटर है, 6,650 किलोमीटर है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नहीं है। बड़ी नदी आ जाए स्टूडेंट्स आपके पेपर में तो आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन बतानी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी जो सबसे बड़ी नदी है। एक आसमान बांध, आसमान बांध स्टूडेंट्स किस नदी पर स्थित है, आसमान बांध ये नील नदी पर है। एक मिस्र देश की राजधानी काहिरा, काहिरा जो शहर है वो भी किस नदी पर है स्टूडेंट्स, नील नदी पर ही काहिरा शहर स्थित है। नेक्स्ट देखें यहाँ एक एक पॉइंट स्टूडेंट्स आपको लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बता दें काफ़ी कम संसाधनों में स्टूडेंट्स आप लोगों तक ये सुविधाएं जो हो पहुँचाई जा रही हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी और आप अच्छे से तैयारी करने में आपको सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट देखें अफ्रीका का सर्वाधिक चाय, देखिए विश्व में चाय उत्पादन करने में यदि मैं चर्चा करूँ तो स्टूडेंट्स भारत में चाय सर्वाधिक होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अफ्रीका महाद्वीप का पूछे तो केन्या, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश केन्या है। और अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, ये जो हिस्सा है स्टूडेंट्स नील नदी के आर पार वाला क्षेत्र, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब समृद्ध जो है ये एरिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एक नाइजीरिया, नाइजीरिया स्टूडेंट्स अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजीरिया अफ्रीका का 56 देशों में, अफ्रीका में 56 देश हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो हो नाइजीरिया में है। एक मिस्र, यूरोप का और दक्षिण का इसको जंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो मिस्र है इसको यूरोप और दक्षिण का जंक्शन बोलते हैं मिस्र, मिस्र इसको इजिप्ट भी कहा जाता है, इजिप्ट इसकी राजधानी काहिरा आप लोगों को पता है। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप का जंक्शन किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट एक नाइजर नदी, नाइजर नदी जो है स्टूडेंट्स पोम तेल की नदी कहते हैं इसको, नाइजर नदी को पोम तेल की नदी। नेक्स्ट है कुलिनान हीरा, ये स्टूडेंट्स विश्व का सबसे बड़ा हीरा है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया, कुलिनान हीरा। तो ये थे स्टूडेंट्स मैक्सिमम मेन मेन चीज़ें अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। नेचुरली चीज़ें जैसे ज़्यादा पूछता है, जैसे सहारा मरुस्थल पूछ लिया, कालाहारी मरुस्थल पूछ लिया, बद्दू निग्रो बुशमैन या ये पिग्मी ये जातियाँ पूछ ली, या इसके अतिरिक्त एटलस पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत है, नील नदी है, सहारा मरुस्थल है, कुल देश कितने हैं, लिम्पोपो नदी है, कांगो नदी है, किस रेखा को कितनी बार काटती हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसकी रैंक पूछ ले, महाद्वीपों की उत्पत्ति में हम सब एक ही रैंक आपको इजीली करवा भी चुके हैं पहले भी स्टूडेंट्स। तो ये था आपका अफ्रीका महाद्वीप, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है। तो स्टूडेंट्स इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका जो टॉपिक जो है वो समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।